सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का जुनून किस हद तक खतरनाक होता जा रहा है। बरेली में फांसी लगाने की एक्टिंग की रील इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद यहां एक लड़का फांसी के फंदे पर लटका मिला था और अब लखीमपुर में एक पूरा परिवार रील के जुनून में मारा गया। इसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और मासूम बेटा शामिल है। तीनों लोगों की मौत और उसके पीछे रील बनाने का मकसद जानकर हर कोई दंग रह गया। घटनाक्रम जिला लखीमपुर खीरी के ओएल स्टेशन के पास केवटी कला स्थित नहर ब्रिज का है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर के लहरपुर से टोला निवासी मोहम्मद अहमद का लखीमपुर के ओएल इलाके में ननिहाल है। वह अपनी पत्नी नाजनीन और 2 साल के बेटे अकरम के साथ मंगलवार को क्वेंटी कला गाँव में चल रहे चहलुम का मेला देखने आए थे। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे अहमद नाजनीन अपने बच्चे के साथ टहलने रेलवे ट्रैक की तरफ चले गए, जहां नहर ब्रिज पर रील बनाने लग गए। इस बीच पीछे से लखनऊ पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आकर तीनों की मौके पर मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी विभत्स थी कि तीनों के चीथड़े उड़ गए। 100 मीटर दूर तक उनके टुकड़े बिखरे पड़े थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और आरपीएफ पहुंची। देखने वाले ये माजरा देखकर टहल गए। ट्रैक पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तीनों शव पट्टी से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वह ओवरब्रिज पर खड़ा था, तभी ये पति पत्नी बेटे के साथ रील बना रहे थे। इस दौरान अचानक ट्रेन आ गई। उसने चिल्लाकर उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह लोग ट्रैक से हटते तब तक ट्रेन ने उन्हें रौंद दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजन टूट गए हैं। घर से लेकर रिश्तेदारी तक चीख पुकार मच गई है। उनके घर वाले यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक झटके में अहमद का पूरा परिवार मौत की भेंट चढ़ गया। क्या घटना हुई है? वो आए थे, हमारा भांजा जो आया था मेला देखने ताजी का डोंगी कला में, और आज इसका घर जाना था तो सुबह टहलने गया कुछ दिन या लेटिन करने के लिए। नाम क्या भांजे का आपके? मोहम्मद अहमद जी। कौन कौन थे? वो पत्नी थी उनकी और एक लड़का था उनका। मोहम्मद अहमद थे। हादसा हो गया। कहीं से कहाँ गए थे ये लोग? ये पता नहीं, उधर टहलने गए होंगे या जो है लेटिन बता रहे हैं कुछ लोग की करने गए थे। किसी से वापसी आ रहे थे, भागे हो मगर जो है ट्रेन आ गई। इस हादसे ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर रील्स के व्यूज को लेकर जोखिम उठाने की चिंताएं सामने रख दी हैं। युवाओं से लेकर किशोरों तक जिस तरह से रील बनाने का खतरनाक जुनून सवार है और वे इसके लिए किसी हद तक गुजरने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, वह उनके परिजनों के लिए अलर्ट है। संदेश है कि अपने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नजर बनाए रखें, और उन युवाओं के लिए भी यह हादसा एक सबक है जो सब कुछ जानते हुए भी खुद को और अपने करीबियों को रील्स के लिए खतरे में डाल रहे हैं।